क्यों नहीं, कंपटीशन और बढ़ेगा। देखिए जब हम फिल्में करती थी तो तब हमारा कंपटीशन नहीं था, मेरा किसी और के साथ एक्चुअली मीडिया वालों ने एक कंपटीशन किया था, लेकिन अब शायद टीवी के जरिए लोग पूनम जी को और मुझे पता नहीं दुश्मन दिखाएंगे या पता नहीं क्या क्या शुरू होंगी कहानियाँ, देखना पड़ेगा। क्या रोल है आपका, क्या कैरेक्टर है आपका? एक इंडिपेंडेंट वुमन है, वर्किंग वुमन है, बिजनेस वुमन है, जो टिपिकल इंडियन औरतों को दिखाते हैं, डोर मैट का एक खिताब दिया जाता है हर इंडियन औरत को, तो ये एक अलग हटके है कैरेक्टर, जो एक कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन है, शादीशुदा औरत है और टोटली नॉट अ डोर मैट, तो इस किस्म का किरदार है ये। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट का है। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी हाँ बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट का है इसमें, वुमेन को एक मतलब जो एक नई पहचान, एक अलग सी पहचान दिखाई जा रही है इस सीरियल में, एक नई पहचान में, तो कैसे एक औरत मतलब सब कुछ कर सकती है, काम के साथ शादी के बाद काम भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, विच इज़ एक्चुअली टुडेज इंडियन वुमन अगर देखा जाए तो। रियल लाइफ में तो अब ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता जाएगा जैसे जैसे एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, तो ये अब मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी। ग्लैमरस लुक में हमारा हमेशा ये था, एक कंप्लेन थी कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और अब मेरे से पहले पूनम जी ने काम शुरू किया तो तब तो बिल्कुल ही वो गायब थी, तो अब हम एक साथ में, तो मुझे लगता है एक साल बाद, दो साल, तीन साल, पता नहीं जब तक चलेगा ये प्रोग्राम, हम एक दूसरे से इतने परेशान हो जाएंगे कि शायद शक्लें ही देखना नहीं पसंद करेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर शो में नई पीढ़ी का रोमांस दिखाते हैं, इस शो में एक मतलब दोबारा मतलब ऐसा हो रहा है कि दूसरी बीवी अब निकल के आ रही है किसी के, तो उसके ऊपर क्या देखेंगे? बेटर देन हैविंग अ गर्लफ्रेंड आई थिंक, दूसरी बीवी है, बट ऑफकोर्स ये एक अलग किस्म का एक ट्रीटमेंट है, तो आई थिंक कि जैसे जैसे एपिसोड्स दिखाए जाएंगे अनफोल्ड होता जाएगा। आप टीवी देखती हैं, घर पे आप देखती हैं, सीरियल्स वगैरह कौन सी पसंद है आपको? मैं ज़्यादातर रियलिटी शोज देखती हूँ, जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, गैंग्स ऑफ हसीपुर और कौन बनेगा करोड़पति, तो ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं कुछ कुछ, और क्योंकि पूनम है इसमें तो मैंने एक नई पहचान भी शुरू किया देखना, तो आई कुड काइंड ऑफ फॉलो द स्टोरी, और फिर मैं अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई कर सकी कि भाई आई कैन एंटर दिस शो एंड होपफुली ऑडियंस भी पसंद करे। अब आप 14 घंटे काम करेंगे यहाँ पे, लोग ऐसा होगा, बट टीवी में ऐसे ही होता है। किसने कहा आपसे 14 घंटा काम करेंगे? ऐसे मासूम बेचारे लोगों को करवाया जाता है ऐसा सुनने में। मैं किसी एंगल से मासूम लगती हूँ आपको? अच्छा चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। वो रूपा और थी, ये पल्लवी और है। पर मतलब जो टीवी का जो करिकुलम होता है काफी हार्ड होता है, तो उसके लिए मतलब कई बार ऐसे भी कहते हैं पहले 9 आ जाओ और फिर एक घंटा और कर लो, ऐसा चलेगा आप? ठीक है, हमारे जमाने में भी हमने बहुत काम किया है तो कोई फर्क नहीं है, तो हमें हार्ड वर्क करने की आदत पड़ गई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है शायद उनको आदत नहीं है ऐसा काम करने में। आपके आने से आपको लगता है टीवी टीज़ बढ़ेंगी, एकदम से उछाल आएगा टीवी टीज़ में? आई होप सो, आपके मुंह में घी शक्कर।